ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कुछ इस टाइप की न्यू इंडिपेंडेंस डे फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, आप सभी को पता है कि यार इंडिपेंडेंस डे आने में भी गाइस कुछ ही दिन बाकी है, मतलब 2-4 दिन बाकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को एक ट्यूटोरियल और दे दिया जाए इसके ऊपर। तो गाइस, आप लोगों को मतलब कि और भी तरीके के एडिट करने को मिल जाएंगे फोटोज। तो आप लोग इस टाइप के भी एडिट करोगे तो गाइस मतलब आपके इंस्टाग्राम पे काफी फोटोज हो जाएंगे, तो कोई ना कोई वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप लोग गाइस इस फोटो को एडिट करने के लिए गाइस मैं आप लोगों के लिए कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा इस वीडियो में। तो सभी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सभी को। तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस, अगर आपका कोई भी एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम को जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे आओ तो गाइस मेरे को फॉलो भी कर लेना। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका जो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी को दे दिया है। तो आप सभी को करना है क्या कि सर, सबसे पहले आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को सबसे पहले तो यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मॉडल को जो है यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इसके पहले से इरेज कर रखा है, अगर किसी को इरेज करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देख लेना। बाकी गाइस, आप सभी को जो मॉडल है यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे जो बीच में रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो ये दो फ्लाई हो रहे हैं जो यहाँ पे मतलब कि फाइट जैसे मतलब लग रहा है कि आपने फाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने जो इनको गिराया है। तो आप सभी को फिर इसके बाद क्या करना, आपको एक पीएनजी और ऐड करना है फोटो में से जाकर, ठीक है। एंड उसके बाद जो आप सभी को इसको फुल स्कैन कर देना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप सभी को जो यहाँ पे सिंपली करना है आपको यहाँ से सिंपली डन कर लेना है, ठीक है। तो आपको इसमें जो शेडो वेडो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पीएनजी की वजह से, तो आप लोग यहाँ पे इसको डन कर सकते हो आप, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को चले जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाके आपको यहाँ से ऐड करना है एक फ्लैग का पीएनजी, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाएंगे यहाँ से, एंड ऐड फोटो से ऐड करेंगे यहाँ पे फ्लैग का पीएनजी, ठीक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो आप लोग इसको भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे रखेंगे, यहाँ पे हम हैंड के पास रखेंगे, ठीक है। तो बाकी गाइस, ये जो मॉडल है ना गाइस, वो मतलब कि इस फोटो के लिए नहीं था, तो मैंने मतलब कि इसमें जैसे मर्जी एडजस्ट किया है। तो आप लोग जो है गाइस पोज ऐसा करना कि आप लोग जो फ्लैग को भी पकड़ पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मतलब एडजस्ट करता हूँ अब जैसे तैसे, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो आपको समझाना है ना। तो अभी यहाँ मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी कम ही रखेंगे, ठीक है, ताकि जो इसको इरेज करने में ईजी रहे हमारे लिए। तो इरेजर टूल में जाकर हम इसकी पहले हार्डनेस को फुल कर देंगे, साइज को अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है, आप जितना मर्जी चाहो। बाकी जो फिंगर्स वगैरह वहाँ से मैं इसको रिमूव कर लूँगा। सो ये जब रिमूव हो जाएगा तो गाइस उसके बाद आप सभी को जो इसकी ओपेसिटी यहाँ पे फुल कर देनी है, एंड उसके बाद जो आप सभी को इसको कर देना है डन। इतना हो जाने के बाद आप सभी को फिर ऐड फोटो में जाना है, एक पार्टिकल का पीएनजी भी ऐड करना है, ठीक है, जिससे कि मतलब कि एक लुक आएगा, मतलब कि मतलब मिट्टी वाला जो लुक है वो आएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं, स्मोक है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले हम ऐसे फुल स्क्रीन करेंगे, ठीक है, इसको हम नीचे ले जाएंगे। एंड जो ऊपर जो आपको पॉइंट दिख रहा है फोर्थ वाला सामने ये वाला, इसको पकड़ के आपको जो इसको ऊपर तक ले जाना पूरा एंड तक, ठीक है। एंड उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ पे जूम करके, गाइस देखिए पार्टिकल से देखो कितना मतलब रियलिस्टिक लग रहा है कि मतलब यहाँ पे जो धूल वूल उड़ रही है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से यहाँ पे इसको लगा देना, एंड कर देना डन। एंड इसके बाद आप सबको यहाँ पे अपनी फोटो को सिंपली यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड इसको सेव करके लेके चलना है लाइट रूम मैप में, क्योंकि गाइस रीटच करके इसका हमें और भी रियलिस्टिक बनाना है। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं लाइट रूम मैप में। सो यहाँ पे हमने लाइट रूम में ले जाने के बाद आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में, एंड लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको इंक्रीज कर देना थोड़ा सा। एंड जो यहाँ पे हाईलाइट्स हैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ पे प्लस कर लेना है। एंड जो शेडो है इसको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी कम कर देना है, एंड थोड़ा सा वाइट जो है इसको इंक्रीज कर लेना है। फिर चलते हैं ऐसे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद जो है हम यहाँ पे पहले वाइब्रेशन बढ़ा लेंगे इसकी, एंड जो टेम्परेचर इसको हल्का सा कम कर लेंगे, थोड़ा सा ब्लू टोन चाहिए क्योंकि फोटो में हमें। फिर उसके बाद मिक्स में जाएंगे और येलो कलर लेंगे, एंड अगर आपको येलो कलर कम लग रहा हो फोटो में तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो सैचुरेशन एंड ल्यूमिनस को बढ़ा सकते हो। फिर डार्क ब्लू में जैसे यहाँ पर अगर आपको ब्लू कलर में अगर मतलब बिल्कुल कम लगे तो ठीक ही लगेगा, तो मतलब कर लेना, बाकी आप इंक्रीज भी कर सकते हो। फिर आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना, थोड़ा सा विगिनेट डाल देना, एंड जो फीदर है इसको पूरा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीचे वाला टूल में जाना है, यहाँ पे आपको इसका शार्पनेस इंक्रीज कर देना है, एंड उसके बाद इसका नोट ऑप्शन बढ़ा देना है, जो कलर नोट ऑप्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली जो हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।